जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, संस्कृत की आठवीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ चार का अभ्यास कार्य, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने प्रतिदिन के कार्य को साथ ही साथ याद भी करेंगे। अब हम आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 3। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहले है पर्वते एका गुहा आसीत। पर्वते शब्द रेखांकित है, इसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पर्वते के स्थान पर आएगा कुत्र। कुत्र एका गुहा आसीत, कहां पर एक गुफा थी। प्रश्न ख, उल्लूका गुफायाम वसति सम। उल्लू गुफा में रहते थे, तो गुहायाम शब्द रेखांकित है, तो यहाँ पर आएगा उल्लूका कुत्र वसति सम, उल्लू कहाँ रहते थे। प्रश्न ग, मेघ वर्ण है काकान एकथ्यत। काकान शब्द द्वितीय बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा मेघ वर्ण है कान एकथ्यत, काकान के स्थान पर आएगा कान। प्रश्न घ, काके स्थिर जीविनम वृक्षात अधे पाते थी। कोई ने स्थिर जीवी को वृक्ष से नीचे गिरा दिया। वृक्षात में पंचमी विभक्ति है। काके है स्थिर जीवी नाम कस्मात अधे पाते थी, कहां से नीचे गिरा दिया। शत्रु कदापि विश्वास है न करनी है, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो शत्रु कदापि विश्वास है न करनी है। कस्मिन कदापि विश्वास है न करनी है, किस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब है बच्चों, पदों के मूल शब्द विभक्ति व्यवचन लिखें। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है काकाह शब्द। काकाह शब्द का मूल शब्द है काक, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। नृपस्य, नृपस्य का मूल शब्द नृप, विभक्ति षष्ठी वचन एक वचन। काका नाम मूल शब्द काक, विभक्ति षष्ठी वचन बहुवचन। गुहायाम, गुहायाम का मूल शब्द गुहा, विभक्ति सप्तमी वचन एक वचन। पर्वते, पर्वते का मूल शब्द पर्वत, विभक्ति सप्तमी वचन एक वचन। अब है बच्चों, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। धातुएं दी गई हैं, उनमें से आपने धातु को अलग करना है और प्रत्यय को अलग से लिखना है। स्थित्वा, स्थित्वा में स्था धातु, तत्वा प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु, तत्वा प्रत्यय। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृष्ट धातु, तत्वा प्रत्यय। बच्चों, ये था आज का अभ्यास कार्य, और आपको सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये जो कथा थी आपकी, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तथा बुद्धि बल से, बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी हराया जा सकता है। हमें कभी भी अपने को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। बुद्धि से और उचित योजना से हम अपने आप को कठिनाई से निकाल सकते हैं।